ओ भाई साहब, ये चक्कर है, ये क्या है, क्या हो गया? तेल लीक हो गया। रोटी खिला दूं, रोटी क्यों खिला दूं यार आपको? यार आप मेरा सब खाए तो करे ना यार। भाई साहब, इट्स आवर मॉर्निंग टाइम इज हैपनिंग तकरीबन 12:30, और आपके भाई ने अभी पीच माल के साथ कीमे वाला नान जो है वो नबेड़ा है। और जनाब, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू ब्रांड न्यू व्लॉग। उम्मीद आप सब खैर से ठीक ठाक बेहतर मजेदार रहेंगे। Today we are up to something not new. अरे कुछ तो बताओ, कुछ तो बताओ, कुछ तो बताओ ना। ठीक है, हम इस गाड़ी को ही राइड करते जा रहे हैं और सुबह सुबह का टाइम है। खैर, सीन ऐसे थे कि पहले आपके भाई का एक छोटा सा काम था, दोस्त के वाले साहब का हाल पूछने जाना था उधर के, उधर से निकल के आए हैं तो मेरे को आज ख्याल है वो टेस्ला मेरे को ख्याल है कि यार गाड़ी का ना गियर ऑयल चेंज करा लें, क्योंकि इसका गियर ऑयल चेंज कराना ज़रूरी है। हमने जब से गाड़ी ली है ना, इंजन ऑयल चेंज कराया ना गियर ऑयल चेंज कराया, आज कराते हैं गियर ऑयल चेंज। ठीक है, ऑयल इसके ओके थे लेकिन गियर ऑयल पे ये कि इसका जो अपना गियर बॉक्स है ना, ये भी थोड़ा सा सेका सेका देने लग जाता है। और कल जो मैकेनिक साहब ने गाड़ी चला के चेक की, वो कहते हैं भाई इसका ना गियर ऑयल चेंज करो तो पिकअप पे बड़ा फर्क पड़ जाएगा, बड़ी ओके हो जाएगी। तो भाई ये बात मुझे किसी ने बताई नहीं, तो मेरे को जोश चढ़ गया, मैंने अपना गला छल्ला बांध दिया। नहीं करेंगे पैसा रख के, भाई आपके भाई ने पैसा अरेंज किया और निकल रहे हैं सीधा, जा रहे हैं गियर ऑयल चेंज कराने। मार्केट आ चुके हैं और यहाँ पे पहुँच के मेरा दिल के ब्लॉग स्टार्ट करते हैं, ऐसे इरादा कोई नहीं था। ये अपनी शॉप है जहाँ पे हमें जाना है अपने मैकेनिक भैया के पास, और ये यहाँ पे गियर ऑयल वगैरह जो है उस गाड़ी, भाई कहते हैं गाड़ी थोड़ी ठंडी हो जाए उसके बाद फिर इसका गियर खोलते हैं। फिर वो गाड़ी है गर्म, भाई साहब इसका तेल पानी निकला है गियर ऑयल। इसका गियर का कोई फिल्टर होता है वो वॉश होगा, नया नहीं डलता वॉश होता है, फिर उसके बाद नया तेल डलेगा। अब गाड़ियाँ ठीक कराना तो बहाना, असल में ये वाली चाय पीनी थी। कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर। आए भाई साहब, इधर काम चल रहा है। हम जरा ना एक चप्पल रखी थी मैंने गाड़ी में, अब मिल गई जी, स्लीपर चेंज कर लेते हैं क्योंकि जूते पहन पहन के अनकम्फर्टेबल रहेंगे, उससे बेहतर है हम ये अपने स्लीपर्स पहनते आ जाए। मेरे जेन्युइन एडिडास के जूते, तुम बैगों के बीच ये चैम्बर, ये गियर का चैम्बर है, गियर का इसके भी जैन वो लगाएंगे। हाँ, इसको प्रॉपर तरीके से फिट करेंगे कि वो सारा फिल्टर जो है ना बंद हुआ हुआ। गड्डी हूँ 10 और कुछ साइड लाइक और कुछ पिलावा तेन 6 लीटर इसको गियर ऑयल पिलाना है भाई साहब, 6 लीटर 15,000 रुपये का टीका लग गया है इसके गियर ऑयल में। नमाज पढ़ ली और नमाज के साथ ना पूरी मस्जिद खाली, तो बताऊँ यहाँ पे तो खाली मस्जिद मिलती है। ऐसे लेट जाते हैं, तो ऐसे लेट जाते हैं, थोड़ी देर आराम शराम कर लेते हैं और आराम के करते हैं, 5 बजे कमर सीधी करते हैं क्योंकि रात की भी नींद पूरी नहीं, और उसके बाद फिर निकलते हैं गाड़ी की तरफ। गाड़ी का भी काम है, रुका हुआ है, मैकेनिक साहब ने दूसरी गाड़ी पकड़ी है, तो अपनी गाड़ी की तरफ खींचते हैं और काम उकाते हैं। ये वाला पार्ट था जो पानी दिया था, वो खेलते खेलते फ्री था, ये भी ओके कराया। इसके अंदर स्प्रिंग होते जो 7 अप हो गया हुआ था, ये भी पप्पू काम हो गया, बस ये दरार आ गई है, इसको दोबारा पेंट करा लेंगे पुटीन लगवा के, तो यस हो जाएगा। ये भाई साहब ग्रिल लूज थी, इसकी भी टाई क्लिप लगा दी हमने, ये टाई क्लिप कर दी। बस हो गई है, ऑयल डालना भाई साहब जो है,
जो चैम्बर है पहले फिल्टर जो वो बंद हो रहा है, फिर चैम्बर बंद होगा, फिर फिल्टर है। ये चैम्बर इसका साफ शफाफ। भाई साहब आज बस होगी अपनी, अब उम्र का तकाजा होता जा रहा है, अब बस होगी, ज़्यादा देर काम नहीं कराने होते। अभी दो चार फुवारी हैं, दो बर्थडे सेलिब्रेशन है वो भी मनाने जानी है, डेकोर शिकोर का मसीन है वो भी प्लान करना है, घर जाना है, कपड़े चेंज करने हैं, थकत थक के। भाई लोग तो नीचे से निकले हैं, अब बस अल्लाह करे ऊपर से तेल डालें हम निकले। यार टाइम हो गए 5:30 होने वाले, सुबह के आए यहाँ पे, चलो अभी तेल ले आइए। अरे भाई ये क्या हो गया, गाड़ी ने क्या कर दिया, सुसु कर दिया। ओ भाई साहब ये चक्कर है, ये क्या ओ, तेल निकल गया गाड़ी का। खैर ये तेल जो है ना एंग्जाइटी बनाने के लिए कर रहा हूँ, ताकि थंबनेल में अगर ये मैं यूज़ कर सका कि आए गाड़ी का तेल गिर गया, ताकि आप लोग देखें। तो चक्कर ये है कि ये तेल नहीं गिरा, ये पुराना तेल था जो ड्रम में पड़ा हुआ था, और जो अपने मैकेनिक भाई के साथ जो उनके शकीर थे उसका पैर लगा, तो ये यहाँ पर रोड़ गया था। बस हाइट क्रिएट करने के लिए बोल रहा हूँ। क्या हो गया, तेल तेल लो, तेल हो गया, तेल लीक हो गया। प्राइस है गाड़ी की तसल्ली हो रही है, कोई लीकी शीकी तो नहीं है, तो ये बस तसल्ली करके निकलते हैं। पेंसिल दे के निकलिए 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 भाई साहब, आज भी सानू 20,000 रुपये पै गए। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, स्टार्ट चलो जी, बिस्मिल्लाह ऐसा। मगरिब का टाइम भी हो गया, सारा सारा दिन तो अपना यहाँ पे गुजर गया, अब बस घर को नसने वाली करेंगे, कपड़े चेंज करते हैं, नहा लेते हैं। और गाड़ी माशाल्लाह वाकई स्मूथ हो गई यार, अब एक्सीलेटर मतलब अपने पैर पे उठ रही है, पैर पे बैठ रही है, लंबा चक्कर पड़ गया, लेफ्ट होना था यार। A few inches later. वैसे तो इन चीज़ों को मैं सपोर्ट नहीं करता, ये हराम है हमारे लिए, लेकिन क्या करें, अर्जेंट पीस ऑफ वर्क में आपको मेरे को खाना पड़ा, बस तैयार शार होकर निकलने लिए करते हैं, इसलिए मामला साफ कर गाड़ी में जाके बताते हैं। ये हाथ में हमारे एक अदद कॉर्न भी लगी है, अब कॉर्न का इनकार नहीं कर सकते, तो सुबह कुछ खाया पिया नहीं है, सिर्फ नाश्ता किया है, आधा नान, सारा दिन से रात गुजार दिए, और अब जा रहे हैं दावत पे। दावत पे जाने से पहले भी एक दो चीज़ें जो घर पे पहुंचानी वो दे के फिर निकलते हैं। अब जितनी जल्दी ना उतना काम खराब हो रहा है। पीछे भाई वो साबुनदानी लगा के कोई चला गया, मुझे आज जितनी जल्दी उतने काम खराब हो रहे हैं। केक लेना था, खैर केक ले लिए, जो बच्चे की सालगिरह पे जा रही उस बच्चे के लिए हमने केक ले लिया, और जनाब गाड़ी निकालने वाली की, मैं नस्ता हुआ इधर पहुँचा भाई, केक चुके हैं और केक चुके पीछे गाड़ी वाला मेरा टाइम ज़ाया कर रहा है। बाबली सीरी का पागल वागल हो गया, क्या बातें कर रहा है, गाड़ी का काम खोल गया आज के दिन में, आधे घंटे का काम नहीं, जैसे फॉइल चेंज कराया था उस्ताद ने, चैम्बर खोला और चैम्बर की वो सफाइयाँ की हैं, चंगा उन्होंने बिल में भी बदला पाई है, वो भी सफाइयाँ भी जरूरी थी, लेकिन भाई ने बड़ा दिल से हमल से तसली से काम किया, तो फिर हमने भी कराया। वो चक्कर की बात है, वो चक्कर मोनूमेंट की आज तक बत्तियां नहीं चल रही, देखी ये बाहर की हुकूमत आ रही तो उनके लिए बत्तियां भी लगी हैं, पैसे भी लगा रहे हैं इस मुल्क में। यार अच्छा दो मिनट आपसे बात कर लूँ, फिर मैं डायरेक्ट वेन्यू पे पहुँचूंगा। राइट लेफ्ट हर तरफ पुलिस खड़ी है, इसलिए बार बार कैमरा ऑफ करना पड़ रहा है, क्योंकि कल आज के डेट में अल्लाह खैर करे रास्ते में बंद ना मिले, खुले मिले, इसीलिए जाए आए। फिर लोग बस निकल रहे हैं, अपना बेबी हैदर है उसकी सालगिरह पे, मतलब 3-4 साल का मतलब लगा, मेरे साले साहब का सपोर्ट है, तो उसकी सालगिरह है, तो उसकी सालगिरह में बस पहुँचते हैं, तो वहाँ पहुँच के फिर आपको अगली अपडेट देते हैं। बात तो थक गया और आवाज़ भी नहीं निकल रही, और चैनल को आपने सब्सक्राइब तो किया नहीं है, वीडियो को लाइक तो किया नहीं है, और कमेंट आपने किया नहीं है, और आप कह रहे हैं मैं आपको रोटी खिला दूँ, रोटी क्यों खिला दो यार, तो आपको यार आप मेरा सब्सक्राइब तो करे ना यार, या मुझे ओए कितना पेट कर रहे हो भाई, नीचे आ जाओगे। ओके भाई साहब मेन्यू में पहुँचते हैं, गाइस अपनी लोकेशन पे बस पहुंचे हैं, ये बस्ती है जो हर घर की हस्ती है, यहाँ पे भाई साहब हमने जाने, ये गाड़ी की पार्किंग लग गई अपने को,
पर गाड़ी लगाते हैं यहाँ पे पार्क। भाई भी एक सेकंड रुके रुके अपने अपने एक तो यार पता नहीं क्यों मैंने अंदाजा लगाया बहरिया के अंदर आ जाओ ना तो बाइक वालों को वैसे गाड़ी वाले टी टी हॉर्न दिए जाएंगे। ओ पैंती सीढ़ी मारी बहरिया टाउन तुम लोगों ने क्या समझा है, गंदा पेंड होता था जिधर मज्जे लोग रखते थे लोगों की जमीनें काट काट हरा भरा मतलब जो भी सिनेरियो बन के आज आप तुम लोगों ने अगर यहाँ पे कोई घर बना लिए हैं पौने पौने पे पता ना उछला करें कि भाई बड़े वी आई पी हैं कख भी नहीं है, दो सांसों की जिंदगी है यार बस ये जुलिए केक से चा लिया गड्डी ला लिया इंसाना यार टोरा इंसाना बैठने इधर इसमें बैठने टुक टुक पे पैसा इधर तो रश ही चंगा पला रश चलाओ तो ये जनाब मैं और बिलाल जाके कैंडल ले आए थे बैठी है 4 years का हो रहा है 4 मिली लेकिन पिंक बन गई भाई हैदर भाई अस्सलामुअलैकुम अस्सलामुअलैकुम हैप्पी बर्थडे टू यू। ये कौन है मुश्किला ले जनाब रिक्शा ड्राइवर आ गया सवारियां भी आ गई हैं बैठो ब्लाज भी लेके जा रहे बैठो ब्लाज चलो चलो भाई चलो ब्लाज सामने देखो लेकिन आप जब बस्ती आए हैं तो बस्ती में हमें स्टील के जो है प्लेटें स्टील के जो ग्लास मिल रहे हैं बाप की तरह टक टक पे नाचने वाला तो बस बस खत्म हो गया बस भाईजान भाई साहब आज का रोला ये है कि जगह बहुत अच्छी है और क्या ही फैमिली आई है ऊपर से हम खुद फैमिली के साथ आए हैं हम एंजॉय कर सकते हैं समझ रहे हो ये जनाब लोकेशन देख रहे हैं इधर हम शूट करा रहे हैं मैंने क्या ही शूट कराना है अपने बुड्ढी का शूट करो शिनवारी डाल लिए चप्पल कबाब डाल लिए इससे बिस्मिल्लाह करते हैं भाई जी फाइनली पैकअप हो गया वाइंड अप हो गए रोटी पानी होगी बस हम निकलने वाली करें तो जनाब यहाँ पे अपनी दारू पानी बोलता रहता हूँ अल्लाह माफ करे रोटी पानी हो गई है और अब सीन ये कि अब हम जा रहे हैं घर की तरफ अस्सलाम यहाँ पर जरा गाड़ी का फ्यूल अप करा रहे हैं इससे पहले कि रास्ते में कोई रौला पै जाए फ्यूल अप कराते हैं और फिर घर निकलते हैं सर घूमने आया बहुत ज़्यादा Show up. I don't ever slow up. No, I don't take shit.